वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में टेक्नो का BB4K। अगर इसके अंदर या कोई और सा भी मॉडल है आपका टेक्नो का और उसके अंदर आपको यूट्यूब की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। ये देखिए अभी मैं यूट्यूब प्ले करता हूँ तो यहाँ पे जो है यूट्यूब चल चुका है। देखिए अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो ये वीडियो में दिक्कत आ रही है कि ये बस घूम रहा है। इसका नेट का रिचार्ज भी हो रखा है और वाईफाई से भी कनेक्ट है तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉपर ये जो है प्ले नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाके इसको अपडेट कर लें। प्ले स्टोर पर जाके आपको यूट्यूब को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाके आपको सबसे लास्ट में आना है नीचे सिस्टम पे। यहाँ पे सिस्टम पे जाएंगे और ये देखें यहाँ पे सिस्टम अपडेट, तो ये अपडेट था। ये ऑनलाइन अपडेट पे करना है आपको। यहाँ पे देखें ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समय ले लेगा। 184 MB का जो है इसका अपडेट आया हुआ है। तो कुछ वजह से जो है आपके कुछ ऐप जो है प्रॉब्लम कर, तो 184 MB का जो है इसमें अपडेट आया हुआ है तो थोड़ा सा ये समय ले लेगा आपका। यहाँ पे देखें ये टेक्नो का BB4K यहाँ पे मॉडल भी लिखा हुआ है और ये सिस्टम अपडेटिंग हो गया। बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता रहा है तो हम यहाँ पे जो है अपनी चार्जिंग जो है इंस्टॉल कर लेंगे, लगा लेंगे और यहाँ पर ये रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया तो अब हम जो है इसे रिस्टार्ट कर देते हैं। ये एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट कर रहा है अपना, ठीक है। तो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट कर लेगा फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें इस चीज़ के लिए। ये देखें ये iOS जो है इसमें इंस्टॉल हो रही है तो सिस्टम भी यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें सिस्टम एज अपडेट इंस्टॉलेशन, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको जो है अपने फ़ोन को चार्ज रखना है नहीं तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत देगा इस चीज़ में। तो ये अभी इसका सिस्टम जो है अपडेट हो गया क्योंकि बिना अपडेट करे हुए आज के टाइम पे कोई भी फ़ोन प्रॉपर चलता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना फ़ोन टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फ़ोन अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़े से समय के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे टेक्नो स्पार्क और यहाँ पे ये लॉक आ गया है तो हम लॉक डाल देते हैं जो हमारा लॉक था। और यहाँ पे है अब एंड्रॉयड स्टार्टिंग हो रही है, इसमें थोड़ा सा और समय लग रहा है क्योंकि अब जो ऐप है उसमें सेटअप चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग एंड्रॉयड। इस जगह पे थोड़ा सा आपका ये टाइम ले लेगा तो आपको कोई बटन छेड़ना नहीं है सिचुएशन में कि आप टेंशन में हो जाएं कि ये कहाँ पे जाके रुक गया। रुका नहीं है, वो प्रोसेस चल रही होती है। तो हमारा एंड्रॉयड अभी स्टार्ट हो चुका है, अब हम लॉक खोल लेते हैं इसका। ये अभी भी जो है काफ़ी टाइम ले लिया है इसने इस चीज़ में। तो अब हम जो है यूट्यूब प्ले करके देखते हैं। तो ये अभी वाईफाई इसमें जो वाईफाई का पासवर्ड डाला था वो भी शायद हट गया था। अब हम दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। ये कनेक्ट हो गया है तो अब हम ये देखें अब जो है ये वीडियो प्रॉपर चल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो नेट भी अभी थोड़ा सा स्लो है तो यूट्यूब जो है हमारा चलने लग गया इसके अंदर।
भी देखें। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटीआर पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।